वर्शिप टीम के साथ एक सॉन्ग में चलेंगे, सभी लोग खड़े होकर परमेश्वर की वर्शिप करेंगे। किसी भी पाठ से पहले हम उसकी आराधना करेंगे। मैं जानता हूँ बहुत देर से आराधना मिलेगी, लेकिन सिर्फ एक सॉन्ग थोड़ी देर के लिए हम फास्ट। सभी जन अपने स्थानों पर खड़े होकर हाथों को उठाएंगे, सभी जन परमेश्वर के लिए। बाइबल बोलती है कि जब जब लोगों ने हाथ उठा प्रार्थना की, दुहाई दी हो वो जीत लेते हैं। आप जीतने वाले हैं आज यीशु मसीह के नाम में। इस जगह पर हम इकट्ठे हुए हैं आपकी महिमा करने के लिए, और हम महिमा करके जाएंगे इस जगह पर। हर एक शैतान के बंधन आज टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो पाओ आज यीशु मसीह के नाम में। आपकी बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम में। आप नए होके जाओ आज। आप से वापस नहीं जाने वाले आज यीशु मसीह के नाम। आप बदल के जाएंगे। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। हाथों को उठा के जोर से बोलो हालेलुया। आवाज स्टैंड से बाहर जा रही है तो सचमुच आज आप लेने वाले चमत्कार को अपने मिरेकल में यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर भला है। हालेलुया, बोलो मैं यहाँ से बदल के जाऊंगा। मैं सेम नहीं जाऊंगा, मैं सेम नहीं रहूंगा। हालेलुया। बैठ जाएंगे स्थान पर दो मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। मुझे सुनाएंगे जरा जोर से बोलो, जगत की ज्योति। हालेलुया, यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हालेलुया, वो लाइट है, और जो लोग उसको मानते हैं उसको भी वो लाइट बना देता है। हालेलुया, जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उसको भी वो लाइट बना देता है। लिखा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in the darkness, but shall have the light of life. Hallelujah. यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता। हालेलुया। आज हम देखते हैं बहुत से लोग अंधकार में हैं, बहुत से लोग निराशा में हैं, बहुत से लोग समस्या में हैं, बहुत से लोग परेशानी में हैं, क्योंकि वो लाइट में नहीं है। हालेलुया। आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट लगी हुई है। अगर लाइट ना हो तो आप ठोकर खा जाएंगे। हालेलुया, आप ठोकर खाएंगे, आपके पैरों में चोट लग जाएगी। लेकिन जब ज्योति होती है तो हम चलते हैं, सीधे चलते हैं, ठोकर नहीं खाते। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना ये है कि आज उस ज्योति को आप जान के जाएं और जिंदगी में कभी ठोकर ना खाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक गहरी बात बताना चाहता हूँ। ये जो इंसिडेंट है,
ये जो वाक्या लिखा है यूहन्ना 8 उसकी 12 में, लेकिन यूहन्ना 8 अध्याय के अंदर ही जब आप इससे ऊपर पढ़ेंगे 11 में, उसमें देखो क्या लिखा है। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप न करना। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ कि आप जानते हैं सभी यूहन्ना 8 अध्याय की इस कहानी को, कि यहाँ पर क्या हो गया, एक बहन को पकड़ लिया लोगों ने और उसको वो पाप में पकड़ी गई और उसको सजा देने लगे। ये आप कहानी को जानते होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ एक बात बताना चाहता हूँ कि जब 11 के अंदर, 8 उसके 11 के अंदर यीशु मसीह ने पहली बार बोला था, Neither do I condemn thee, go and sin no more. Hallelujah. यीशु मसीह ने दो बार बोला था, एक बार कहा था कि जा, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता और पाप मत कर, और ये दूसरी बार कहा था यीशु मसीह ने कि मैं कौन हूँ जगत की ज्योति, जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता। हालेलुया। आज हम देखते हैं किसी इंसान को गिरते हुए, आज हम देखते हैं किसी इंसान को मुसीबत में, आज हम देखते हैं कि कोई पाप में पड़ गया, तो हम क्या करते हैं, उसकी कमियां बताने लगते हैं। और यहाँ पर तो क्या हो गया, लोग तो इस बहन को पत्थर से भी मारने लगे थे। हालेलुया। आज हम भी ऐसा करते हैं, जब हम देखते हैं किसी इंसान को गलतियों के अंदर, हम हाथों को ढक, बोलो मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। हालेलुया। यहाँ पर जब मैं, आज मेरा वचन कुछ और था, लेकिन मैं प्रार्थना में बैठा था, परमेश्वर ने मेरे को यही बताया कि आज जब ये बहन पाप में पकड़ी गई, लोगों ने मारने के लिए इसको पत्थर उठा लिए, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि जा, पाप ना करना, लेकिन आगे एक दोबारा बोलते हैं कि मैं जगत की क्या हूँ ज्योति, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो ठोकर नहीं खाएगा, वो निराशा में नहीं, वो हारेगा नहीं, वो जीतेगा। हालेलुया। आज अगर आप देखते हैं किसी एक ऐसे इंसान को जो गिरा हुआ है, आप एक ऐसे इंसान को देखते हैं जो हार रहा है, एक ऐसे इंसान को जो पाप में पड़ गया, मैं आपको बता रहा हूँ, उसको पत्थर मत मारो, उसको यीशु के बारे में बताओ, उसको ज्योति के बारे में बताओ। अरे एक अंधा गिर रहा है, आप उसको और मार रहे हो, ये सरासर गलत है। हालेलुया। आप अंधे को आंखें नहीं दे सकते, तो उसको सहारा तो दे दो। हालेलुया। और वो सहारा कोई और नहीं है, वो सहारा यीशु मसीह। हालेलुया। आज वो सहारा बन के आया हुआ है जगह पे, और आपको आप अगर निराश है, अगर आपको लगता है कि मुझे लाइट की खूबी बताना चाहता हूँ मैं आपको मैं ज्योति की खूबी बताना चाहता हूँ, सब जन पहले बोले लाइट, बोलो लाइट। हालेलुया। अगर यीशु मसीह लाइट है, आप उसको मानने वाले हो, अगर आप उसके, कितने लोगों को पहली बार आवाज साफ आ रही है माइक में, किसी को क्लियर अगर नहीं आ रहा तो बोलो, कुछ कर सकते सेटिंग, पीछे क्लियर आ रही है, जीसस से इंट्रोड्यूस कराओ। हालेलुया। उसको यीशु मसीह के बारे में बताओ, उसको ज्योति के बारे में बताओ, उसको रास्ता बताओ, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। कौन है मार्ग और सत्य जीवन? यीशु मसीह। हालेलुया। आज से 10 साल पहले 2007 में जब मैं क्रिकेट खेलता था ग्राउंड के अंदर, मेरे एक दोस्त ने जो गुरदासपुर से था, उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। मेरा जीवन पाप में था, मेरा जीवन निराशा में था, मेरे जीवन में कोई आस नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी टूट चुका था, लेकिन मुझे किसी ने लाइट के बारे में बताया, मुझे किसी ने ज्योति के बारे में बताया, मुझे किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया। उस दिन से आज तक मैं क्या करता रहा, यीशु के पीछे चलता रहा। बाइबल बोलती है कि धर्मी 7 बार तो गिरेगा लेकिन उठ खड़ा होगा। हालेलुया। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन वो यीशु हमें लाइट बन के उठा लेता है। हालेलुया। वो उठा लेगा आपको यदि आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, वो उठा लेगा आपको यदि आप उसके पास आएंगे। अगर आज आप विश्वास करके आए हैं इस पंडाल के अंदर, तो मैं आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह भी लाइट बन के आया आपको रोशनी देने के लिए। हालेलुया। वो भी आपको आपको हौसला देने के लिए आया। हालेलुया। आप अपना समय निकाल के आए हैं इस जगह पे, यीशु मसीह आपको खाली नहीं भेजने वाले आज। आमीन। हालेलुया। लाइट हमारे जीवन में बहुत जरूरी है होना, लेकिन इंसान आज लाइट को खो देता है, आज इंसान ज्योति को खो देता है, और इंसान भटक जाता है। हालेलुया। इंसान भटक जाता है, टूट जाता है, निराश हो जाता है। परमेश्वर का एक दास था, उसने क्या कर दिया, उसके पास तो बहुत सारा धन था, बहुत सारा पैसा था उसके पास, तो वो तो एक फिरौन का
रिश्तेदार था, हालेलुया, उसके घर में पला बड़ा था, उसके पास वो राजमहल में रहता था, बहुत सारे उसके पास नौकर चाकर थे, बहुत नाम था, बहुत शोहरत थी और बहुत ही पैसा था। आज इंसान पैसे के पीछे भागता है, आज इंसान नाम के पीछे, शोहरत के पीछे भागता है, लेकिन ये मूसा भी, इसके पास भी सब कुछ था, लेकिन जब इसने परमेश्वर के बारे में सुना, जब इसने लाइट के बारे में सुना, तो ये तो परमेश्वर का दीवाना हो गया और इसने पैसे को छोड़ दिया, इसने सब उस राजमहल को छोड़ दिया और लाइट के पीछे हो लिया। हालेलुया, मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूँ, ये रोशनी जो परमेश्वर की रोशनी है, ये तो ऐसे ही है। हालेलुया, जो एक बार रोशनी में चलना शुरू कर देता है वो फिर अंधकार में नहीं जाता। आप रोशनी में चलने वाले बने आज के बाद से। हालेलुया, पौलुस भी जो परमेश्वर का दास था, उसको भी परमेश्वर ने लाइट दी, उसको भी चमकाया। आज आप भी चमके, ये मेरी प्रेयर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, मैं आपको प्रचार करना या टीच करना नहीं है, मैं सिर्फ आपको यीशु मसीह के बारे में बताने आया हूँ और ये बताने आया हूँ उसकी एक क्वालिटी है कि वो लाइट है, वो ज्योति है और वो ऐसी ज्योति है जो कभी बुझती नहीं है। बहुत से लोग आए हैं इस धरती के ऊपर, बड़ा नाम हुआ है उनका, अपने आप को उन्होंने पीर पैगंबर होने का, अपने आप को एक खुदा होने का दावा किया है, लेकिन खाक में मिल गए हैं मौत के बाद और उठ नहीं पाए कब्र में से भी। हालेलुया, और ये यीशु मसीह है जो मौत को भी हरा कर कब्र में से बाहर आ गया और पहुंचता है, मैं जिंदा हूं, मौत तेरा डंक कहां है। हालेलुया, वो तो मौत को भी हरा देता है, वो ऐसी लाइट है जिसके ऊपर अंधियारा कभी भी हावी नहीं हो सकता। हालेलुया, और जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके ऊपर भी अंधियारा कभी हावी नहीं हो सकता। हालेलुया, मेरे अजीजों, समय कम है, मैं आपको बहुत बता सकता हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से हम आपके लिए हालेलुया, फॉलो करो उस लाइट को जो सच्ची लाइट है। हालेलुया, यीशु मसीह कोई फेक परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह रियल परमेश्वर है, यीशु मसीह को झूठे चमत्कार नहीं करता, वो सच्चे चमत्कार करता है। यीशु मसीह किसी का जात, किसी का धर्म नहीं बदलता, वो लाइट है, वो जीवन बदलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बहन ने भी जब पाप किया, इसके ऊपर पथराव होने वाला ही था, कोई कुछ ना बजाए, कोई इंस्ट्रूमेंट। हालेलुया, क्या हो गया, मैं इस वचन को बहुत ही गहराई से पढ़ रहा था, कम से कम एक डेढ़ साल पहले की बात बता रहा हूँ, इस वचन ने मुझे पहले भी छुआ था। जब दो लोग खड़े हो जाएंगे फटाफट, दो लोग जल्दी से आओ, पत्थर उठा के मारने लगे थे, और लेकिन परमेश्वर ने जो छुआ इस वचन में से वो ये था कि जब ये लोग पकड़ के उस बहन को जब लेके आए, सुनना ध्यान से, हालेलुया, आप शरीर में तो बैठे, आत्मा में तो बैठना, हालेलुया, उसको ग्रहण करना यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह सिर्फ लाइट ही नहीं है, वो जीवन भी है, वो मार्ग भी है, वो सच्चाई भी है, वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, वो सब कुछ है। हालेलुया, और जब ये लोग ये सोच के कि यीशु मसीह भी इसको मौत देगा, वो तो खुद ही उस बहन को जीवन के पास लेके आ गए। हालेलुया, अरे जो यीशु के पास आता है उसको मौत मिल ही नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह तो जीवन है। हालेलुया, आज आप यीशु मसीह के पास आए हो, इसका मतलब आज आप जीवन के पास आए हो। हालेलुया, यीशु मसीह किसी का जात, किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए, वो आपका व्यवहार बदलने के लिए आए, वो आपका स्वभाव बदलने के लिए आए, वो आपका एटीट्यूड बदलने के लिए आए हैं, वो आपका जीवन बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, कोई भी व्यक्ति जो पाप में है, जो गलती में है, बैठ जाओ, उसको परमेश्वर के बारे में बताओ, उसको इस लाइट के बारे में बताओ, उसको जीसस के बारे में बताओ, क्योंकि जीसस वो लाइट है जो चेंज कर सकता है सबको। हालेलुया, हालेलुया, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो अंधकार में है, मैंने एक भाई से पूछा, मैंने अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने उस भाई से पूछा, बड़े पैसे कमाता था वो, मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे ये बताओ कि आपके इस पैसे कमाने से, या आपके पैसे की भी बात छोड़ दो, मैंने कहा कि आपके बिजनेस से जो आप काम करते हो, लोगों का क्या फायदा है, सोच में पड़ गया होगा, कोई जवाब नहीं। हालेलुया, आज लोग काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन अपने लिए करते हैं और दूसरों के लिए कुछ भी छोड़ के नहीं जाते। चुप हो गया वो भाई, शांत हो गया भाई, सोचने लगा वो। मैंने कहा कि ऐसा काम बताओ मुझे जिससे परमेश्वर भी खुश हो जाए, इंसान का भी भला हो, आपको भी अच्छा लगे। सोच में पड़ गया वो, ऐसा उसको काम मिला नहीं। हालेलुया, ऐसा काम उसको नहीं मिला। आज लोग
पास आइए। हालेलुया।